आप बार बार चुटकी क्यों बजाते हैं? मैं अपने तस्वीर में अपने हसीना को और भी हसीन देखता हूं। अगली पसेगी चल। ठीक है सर। मेरी जान चिल्लाओ मत। जब कोई चिल्लाता है ना तो मेरे इस नाजुक दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, और जब इस नाजुक दिल को ठेस पहुंचती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं बहुत बेरहमी से क्या बहुत ही बेरहमी से प्यार करता हूं, जैसे कि अब तुझे करूंगा। नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ बड़े शर्म की बात है सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। एक छोटा सा गैंग जो दिन दहाड़े जब जी चाहे भरे बाजार से किसी भी लड़के को उठाकर ले जाता है और बेदर्दी से उसकी इज्जत लूटकर सड़क पर उसकी लाश फेंक जाता है ताकि वो लाश उसके मां बाप तक पहुंचाने का फर्ज हम निभाए। बस यही जिम्मेदारी निभाने के लायक रह गए हम। सर हम मजबूर हैं, शहर का कोई भी आदमी इस गैंग के खिलाफ गवाही तक देने को तैयार नहीं।
आम जनता तो मजबूर होती है, उनके पास मुजरिमों से मुकाबला करने की ताकत नहीं होती, लेकिन हमारे पास ताकत होने के बावजूद हम नाकामी की हद से आगे नहीं बढ़ सके। सर, यस, जब हमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन कमीनों ने हमारे चार काबिल ऑफिसर्स को गोलियों से भून डाला। हमें उन ऑफिसर्स पर फख्र है जिन्होंने अपने फर्ज के खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन तुम लोगों ने अपना फर्ज निभाने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। सारे मुल्क में हाहाकार मची हुई है। सुना है दिल्ली से कोई स्पेशल ऑफिसर आ रहा है। मुझे यकीन था आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, मेरे लाख मना करने पर भी ले आए ना बॉम्बे जाने का ऑर्डर। पुलिस ऑफिसर की बीवी होकर डरती हो? हमारी जिंदगी हर पल एक इम्तिहान है, ये डर नाम की चीज अपनी जिंदगी से निकाल दो। मुझे डर ना आपका है ना मेरा, मुझे डर है हमारे छोटे से बच्चे का। सुना है वो अपनी तरफ बंदूक तो क्या, उंगली उठाने वाले को भी जिंदा नहीं छोड़ता। नीता, क्यों भूल जाती हो हमारी बहन के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था हमारी बहन के साथ? क्या बिंदु को उठा लिया? कहाँ? मैं पहुंचता हूं। पगली, हाँ देख मैं बिंदु, 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 भैया, भैया, क्या हुआ? हैं, बोल क्या हुआ? बिंदु, मेरी बहन, भैया, कमीने ने मेरे साथ, उस कमीने से मेरा बदला, बदला, बिंदु, बिंदु, ए बिंदु, मेरी बहन क्या चली गई? मैं इस राखी की लाज नहीं निभा सका, लेकिन मैं तेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब जिंदा बचोगे तब ना। रामजादे कमीने, अब मेरी जिंदगी का मकसद है उस वहशी दरिंदे से बदला, उस हरामजादे की मौत। मेरी बातों का गलत मतलब मत लो, जल्दी हुई आग में कूदने जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ समझो। मेरी भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि तुम सलामत रहो, मेरे मांग का सिंदूर सदा जगमगाता रहे, तुम्हारे तरफ आने वाली हर बलाएं मुझ पर आ जाए। अनीता, तुम ही तो मेरी शक्ति हो, और इसी शक्ति के बलबूते पर मैं ये लड़ाई जीतूंगा, मैं ये लड़ाई जीतूंगा। अनीता, ये लीजिए। बॉम्बे खबर कर दी अपने देवर को कि हम पहुंच रहे हैं? जी, तार कर दिया है। ये कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी करता है तुम्हारा देवर, खेलने कूदने में लगा रहता। आखिर भाई किसका है, और फिर यही तो उसकी उम्र है खेलने कूदने की। राखी देखी, रेखा देखी, देखी मैंने मीना, इस दुनिया की देखी मैंने एक से एक हसीना, पर दिखा के तूने अपना जलवा, दिल मेरा है छीना, और ठान लिया है दिल ने मेरे, बिन तेरे क्या जीना। अरे इसलिए तो कहता हूँ, अरे तू मेरी लैला, पब्लिक से नहीं को डरो, पब्लिक से नहीं को डरो।
पक्कम पक्कम पक्का प्यार तेरा सच्चा है सच्चम सच्चम सच्चा वादा तेरा पक्का है प्यार तेरा सच्चा है खुल के करो क्यों ना प्यार खुल के करो क्यों ना प्यार ओ मेरे दिलदार पब्लिक से काय को डरूं हां पब्लिक से काय को डरूं से नहीं को डरो हाँ पब्लिक से नहीं को डरो वादा तेरा पक्का है पक्कम पक्कम पक्का प्यार तेरा सच्चा है सच्चम सच्चम सच्चा वादा तेरा पक्का है प्यार तेरा सच्चा है खुल के करो क्यों ना प्यार अरे खुल के करो क्यों ना प्यार ओ मेरे दिलदार पब्लिक से काय को डरो मुझको घुमाने क्या मौज मनाने अच्छा मुझको घुमाने मौज मनाने कहाँ कहाँ ले जाएगा बोल कहाँ कहाँ ले जाएगा अरे बोरी बंदर बोर बंदर बोरी बंदर बोर बंदर ताज अजंता सात समंदर बन के तेरा मस्त कलंदर जो भी है दुनिया के अंदर तुझको सभी कुछ दिखाएगा हाँ तुझको सभी कुछ दिखाएगा तेरा दीवाना तेरा दीवाना बिन तेरे जाना रहना सकेगा अकेला पब्लिक से नहीं को डरो पब्लिक से नहीं को डरो वादा तेरा पक्का है पक्कम पक्कम पक्का प्यार तेरा सच्चा है सच्चम सच्चम सच्चा वादा तेरा पक्का है प्यार तेरा सच्चा है खुल के करो क्यों ना प्यार खुल के करो क्यों ना प्यार ओ मेरे दिलदार पब्लिक से काय को डरो साला बड़ा फ्लर्ट है साला हाँ
ओके। भाग, भाग, और भाग। रंगा के पंजे से ना कोई बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। भाग। ए बस्ती वालों, मेरी बेटी को बचा लो। एक माँ के दिल की पुकार सुनो, मेरी बेटी को बचा लो। आए तेरी बेटी को तो बचा सकता। भैया मुझे इन जालिमों से बचा लो। रंगा जब जिसे नंगा कर दे तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसे ढक सके। ले आओ उसे। ठहरो। सुना इसने मुझे क्या कहा? इसने मुझे भाई कहा है और भाई का काम है बहन की रक्षा। जा बहन घर जा। के बाद आज एक शेर से पाला पड़ा है और मेरा बहुत दिनों के बाद एक सुअर से पाला पड़ा है। या, 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 या। फिकर मत कर अजीत, मैं तेरे भैया को अच्छी तरह जानती हूँ। जिस दिन तू डांस कंपटीशन जीतकर घर आएगा ना, सबसे पहले तुझे ही गले लगाएंगे, क्योंकि जिंदगी में उन्हें सिर्फ जीत ही पसंद है। I'm telling you on how I feel, gonna set your mind, don't you dare tremble, tremble, get on me, alright. I'm giving you on how to feel, just show yourself, or let it be. I'm telling you to watch your mouth. प्रेशर कुकर की तरफ से जो डांस कंपटीशन हुआ उसका इनाम हमारे चीफ गेस्ट सेठ लक्ष्मीचंद जी देंगे। द विनर अमंग्स द बॉयज इज ओ माय गॉड अजीत। चाहू मम्मी अंकल जीत गए।
क्या कर रही है कचरा कर दिया सर क्या करती है यार मर गया सर थैंक यू द विनर अमंग्स द गर्ल्स इज सोनिया लीजिए थैंक यू अंग्रेजी में कहावत है द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक तो मैडम आप मालिक प्रेशर कुकर का पका हुआ खाना अपने महबूब को खिलाइएगा वो जिंदगी भर आपका गुलाम रहेगा अजीत अजीत अभी तुझे और भी कोई धुन याद है कि नहीं जब देखो यही धुन बजाता रहता है नहीं भाभी बस यही एक धुन है जो मेरे दिल के तारों में बस गई है अच्छा तो इस धुन का रिश्ता तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ है मैं भी तो सुनूं उस लड़की का नाम जिसने मेरे अजीत को मजनू बना दिया है उसका असली नाम क्या है ये तो मुझे भी नहीं मालूम मगर बचपन में मैं उसे गुड्डी और वो मुझे मुन्ना कहकर पुकारती थी 15 साल पहले हम दोनों गांव में एक साथ खेला करते थे एक दिन की बात है मुन्ना कुछ दिनों के बाद हमें गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर चले जाएंगे तुम शहर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा गुड्डी मैं किसके साथ खेलूंगा मैं कहीं भी रहूंगी लेकिन मैं इधर आती रहूंगी हम यहीं पर मिला करेंगे प्रॉमिस गॉड प्रॉमिस दूर रहकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी कभी नहीं मेरे पास तो तुम्हारा एक फोटो भी है तुम मुझे हमेशा इतना ही प्यार करते रहोगे हाँ करता रहूंगा तुम झूठ बोलते हो तुम मुझे जरूर भूल जाओगे तुम्हारे पास तो मेरा एक फोटो भी नहीं है एक दिन मैं स्कूल पिकनिक से लौटा तो पता चला कि गुड्डी शहर के लिए रवाना हो चुकी है मैं बस के पीछे दौड़ा और जब मैंने गुड्डी को देखा तो मैंने जोर से पुकारा गुड्डी गुड्डी हम उसी आबशार में मिलेंगे गुड्डी ने बस इतना ही कहा था और देखते देखते मेरी आंखों से ओझल हो गई आज 15 साल हो गए इन 15 सालों में न जाने कितनी लड़कियां मेरी नजरों के सामने से गुजर गईं, मगर मेरी गुड्डी मुझे आज तक नहीं मिली यही बैठे बैठे अपनी गुड्डी को याद करता है या उसे कभी ढूंढने की कोशिश भी की है कोशिश तो बहुत की भाभी कई बार अपशार पर गया मगर हमेशा दिल पर मायूसी का गहरा जख्म लेकर ही लौटा अजीत ये बचपन का प्यार है इन बीते सालों में हो सकता है तेरी गुड्डी तुझे भूल गई हो वो अगर मुझे भूल गई होती भाभी तो मेरे दिल में भी दरार पैदा हो जाता मैं इस तरह बेचैन न रहता मुझे यकीन है भाभी कि एक ना एक दिन मुझे मेरी गुड्डी जरूर मिलेगी भैया शादी चाहे पहले मेरी हो या तुम्हारी बहन भाई के प्यार में क्या कभी कोई कमी आएगी अरे नहीं पगली ऐसी कोई बात नहीं है आज मेरा अजीत अपनी गुड्डी को फिर ढूंढने जा रहा है आशीर्वाद दो मुझे भाभी कि इस बार मुझे मेरी गुड्डी जरूर मिल जाए भगवान करे तेरी गुड्डी तुझे जरूर मिल जाए लेकिन इतना याद रखना अगर तेरी गुड्डी तुझे नहीं मिली तो उसकी जगह उस गुड्डी को पसंद करना होगा जिसे हम पसंद करेंगे कब तक सपनों के सहारे जीता रहेगा तुम जा तो रहे हो लेकिन इतना याद रखना ये तुम्हारा आखिरी चांस है इसके बाद हमारी मर्जी और तुम्हारी मंजूरी ओके विश मी लक भाभी ऑल द बेस्ट Thank you.
अर्जुन,
जब से तुम आए हो शहर में शांति ही शांति। कई दिनों से किसी लड़की की लाश नहीं मिली। लगता है तुम्हारे एक हमले से खूनी घबरा गया। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं अर्जुन। असली खुशी तो उस दिन होगी सर, जिस दिन उस खूनी दरिंदे की लाश पोस्टमार्टम के लिए लाई जाएगी। यू आर राइट अर्जुन, जब तुम यहीं पर हो तो वो दिन भी अब दूर नहीं। आई एम श्योर। प्रीति, तुम वो लड़की हो जिसकी भी डांस पार्टनर बन जाओ वो कभी डांस कॉम्पिटिशन हार ही नहीं सकता। इसीलिए मैं चाहता था कि इस बार तुम मेरी डांस पार्टनर बनो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दीपक, मैं तुम्हारी डांस पार्टनर नहीं बन सकती। क्यों प्रीति, क्या तुम भी यही चाहती हो कि दोबारा मैं डांस कॉम्पिटिशन हार जाऊँ? बात तुम्हारे हारने या जीतने की नहीं है, बात जबान की है जो मैं तुमसे पहले अपनी सहेली को दे चुकी हूँ। वो उस लड़के को लेकर आती ही होगी। आई एम सॉरी दीपक। ओके, माय बैड लक, थैंक्स। हाँ हाँ बहुत अच्छी है, हटना यार। ये मोटी की बच्ची किसको लेकर आ रही है? अरे अरे प्रीति, देख मैं दिल्ली डांस पढ़ने लाई हूँ। हाँ मैं इसके साथ डांस करूंगी। अरे 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 अरे, ओ मैडम, तुम अपने आप को क्या समझती हो? हाँ, तुम क्या अकेले डांसर हो? अरे अगर इशारा करो ना इशारा, तो लाइन में हजारों लड़कियां खड़ी हो जाएंगी डांस करने के लिए। प्रीति, he is right. What's right? साली मोटी, तू मेरी सहेली है या इसकी? सहेली तो मैं तुम्हारी हूँ, मगर he is right. Shut up. मेरी बात मानो, तुम ये डांस कंपटीशन का चक्कर भूल के किसी कबड्डी कंपटीशन में हिस्सा ले लो। अरे तुम जैसी चिड़चिड़ी लड़की कभी डांस कंपटीशन जीत ही नहीं सकती। जाओ यार। डांस कंपटीशन तो मैं तुम्हें जीत कर ही दिखाऊंगी, समझे? कुड़ी पागल हो गई है। दीपा, तुम चाहते थे ना कि डांस कंपटीशन में मैं तुम्हारी पार्टनर बनूं? मैं तैयार हूँ। सच? थैंक्स अ लॉट प्रीति। वेलकम। अब हम मिलकर इस घमंडी को दिखा देंगे कि डांस कंपटीशन कैसे जीता जाता है। डांस कंपटीशन तो तुम ही जीतोगे, क्योंकि अजीत की डायरी में हार नहीं लिखी। और बाय द वे, बदन की मोटी, इस अकल की मोटी को समझा दे कि जीरो और जीरो मिलकर एक नहीं बन सकता। नहीं बन सकते। जीरो और जीरो मिल नहीं बन सकते। प्रीति, प्रीति, he is right. साली चमची, तुम मेरी सहेली है या उसकी? सहेली तो मैं तुम्हारी हूँ, मगर he is right. क्या बात है, आज तेरा मुंह लटका हुआ है? क्या करूं, ऐसी कोई लड़की ही नहीं मिल रही जो डांस कंपटीशन में मेरी पार्टनर बन सके। लगता है ये कंपटीशन में हार जाऊंगा। खबरदार हार का नाम भी लिया तो। हार से मुझे भी नफरत है और तुम्हारे भैया को भी। और मुझे भी नफरत है, लेकिन क्या करूं, कोई लड़की तो मिलनी चाहिए ना। लड़की मैं ढूंढ देती हूँ। तुम? जी हाँ। सोनिया जी, भाभी, तुम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। मैं चाहती हूँ तुम्हारे डांस कंपटीशन में ये तुम्हारी पार्टनर बने और कंपटीशन के बाद तुम्हारी लाइफ पार्टनर बने। और क्या कह रही हो सोनिया, अजीत को अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो, जिसने जिंदगी में फ्लर्ट करने के अलावा कुछ सीखा ही नहीं? भैया वो लड़कियों से फ्लर्ट जरूर करता था, मगर अब अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे, जिस पर उसकी भाभी ने अपनी रजामंदी की मोहर भी लगा दी है। अच्छी तरह से सोच ले, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। भैया, बचपन से लेके आज तक जो बहन आप जैसे भाई के बनाए हुए रास्ते पर चली हो, वो कभी क्या गलत मंजिल पर पहुंच सकती है? नेवर। भैया, अजीत के घर वालों की ख्वाहिश है कि हमारी शादी इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन के बाद हो। अगर तू यही चाहती है तो ठीक है। Thank you.
menu, menu, tenu, I love you. I love you. Menu, menu. ¡Gracias!
लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कॉम्पिटिशन के विनर्स हैं प्रीति एंड दीपक. गिव देम अ बिग हैंड. अब मैं अपने चीफ गेस्ट मिस्टर गुप्ता से गुजारिश करूंगा कि विनर्स को इनाम बांटे. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. प्यार तुम्हें हम करेंगे, याद तुम्हें हम करेंगे, प्यार तुम्हें हम करेंगे, याद तुम्हें हम करेंगे. होगा न होगा प्यार कभी कम, प्यार कभी कम, प्यार कभी कम. रहे साथ हम तुम, रहेंगे सदा हम तुम्हारे. रहना रहे साथ हम तुम, रहेंगे सदा हम तुम्हारे. बदले बदल जाए दुनिया, बदले ना दिल ये हमारे. वक्त चाहे तो इम्तिहान ले ले, इम्तिहान ले ले, चाहे जा ले ले, साथ छूटे ना टूटे हमारी ये कसम. जीना हमें तो है जीना, जीवन तुम्हारा ही होगे. वादा मुझसे और इश्क प्रीति से. देखो सोनिया, मैं अजीत, तुम एक नंबर के फ्लर्ट हो ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन प्रीति तुम इतनी गिरी हुई और नीच निकलोगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती. सोनिया, सोनिया तुम हकीकत जाने बगैर हद से ज्यादा बोल रही हो. अपनी जबान काबू में रखो. जो लड़की दूसरे का प्यार छीन ले
वो नीच नहीं तो और क्या है? सोनिया, अपनी जबान को लगाम दो। Shut up! मैं एक बार नहीं, हजार बार कहूंगी, प्रीति नीच है, कमीनी है। ये तुमने क्या किया अजीत? प्रीति, तुम्हारे बारे में कोई भला बुरा कहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर भी मैं सोने से माफी मांग लूंगा। क्या कहा अजीत ने? और तुझ पर हाथ उठाया? मैं उसे जान से मार डालूंगा। नहीं भैया। व्हाट नहीं भैया? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, अजीत एक नंबर का फ्लर्ट है। मगर तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया। पैरों पे अपनों से ज्यादा भरोसा करके अपनी हस्ती खेलती जिंदगी में आग लगा दी ना। भैया, अगर अपनी जिंदगी में आग मैंने लगाई है तो उसे बुझाऊंगी भी मैं ही। हेलो, मैं सोनिया बोल रही हूँ। सोनिया, मैं अभी अभी तुझे को फोन करने वाला था। मैं तुझे बताना चाहता था कि जो कुछ भी तुमने देखा और समझा वो सब गलत है। देखो, मैं फोन पर कुछ भी सुनना नहीं चाहती, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ? मड आइलैंड, शाम को 5 बजे। सर, आपके 15 दिन विदेश में रहने से ऐसा लगता था जैसे यहाँ की सारी रौनक आपके साथ चली गई हो। कोई भी लड़की की लाश ना मिलने पर पुलिस भी शांत हो गई। अभी उनकी शांति खत्म कर देते। लगता है ये वही गैंग के लोग हैं जो दिन दहाड़े लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। खबरदार, आगे मत बढ़ना। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम यहाँ से जिंदा उठाकर ले जा सको। नहीं नहीं, फाइट नहीं। तुम जैसी लड़कियाँ फाइट करने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए बनाई गई हैं। और तुम जैसे गंदे लोग बात करने के लिए नहीं, लात खाने के लिए बनाए गए हैं। हेलो हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर मिश्रा बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। यहाँ मैं डायलैंड पर, पुनी गैंग ने एक लड़की पर हमला बोल दिया है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, आप फौरन आ जाइए। ओवर। आई एम जस्ट रीचिंग। अर्जुन भाई साहब, भाग गए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप एन वक्त पर नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। एन वक्त पर नहीं आता तो क्या होता? यहाँ जूडो खेलने आई थी। मैं अजीत से मिलने आई थी। और वो गधा नहीं है? नहीं। देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो ये इलाका खराब है, तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था। जी चलो, घर छोड़ देता हूँ। तुम
दोनों की शादी जल्दी करवा देते हैं ताकि तुम्हें अकेले नहीं घूमना पड़े। नहीं। सोनिया तुम ठीक हो? Are you sure? मैं ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आप उसके पीछे जाइए। प्लीज जाइए। सोनिया, तुम्हें गोली किसने मारी? मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? नहीं सोनिया, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुमने जो देखा, सोचा, समझा सब गलत था। प्रीति तो मेरे बचपन का खोया हुआ प्यार है। मैं तुम्हारी सर की कसम खा के कहता हूँ, ना वो बच्चलन है ना मैं धोखेबाज। धोखेबाज तो मेरी जिंदगी है जो मेरा साथ नहीं दे रही। अब मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। वैसे भी मैं तुम्हारे बिना जीकर क्या करूंगी? सुनिया, भगवान करे तुम्हारी और प्रीति की जोड़ी कयामत तक सलामत रहे। तुम्हारे बड़े भैया। सुनिया, सुनिया, क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान नहीं है, बल्कि बहुत ताज्जुब में पड़ गए हैं। ताज्जुब? हाँ, तुम्हारे भाई साहब के सर में एक बुलेट का बहुत बारीक टुकड़ा फंस गया है। बुलेट का टुकड़ा? और यही कारण है तुम्हारे भाई साहब की बेहोशी का। मेरी किस्मत अच्छी थी अनीता के भैया। ये ना जान तो क्या पूछना चाहता है? तो क्या सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक कमीने ने मुझ पर गोलियों की बुछार कर दी थी, ये समझो कि तेरा भाई बच गया। इसका मतलब है कि गीता की मौत बीमारी से नहीं हुई। गीता की मौत और मेरे जख्मी होने के बाद वो होड़ वाला दिल्ली से चला गया। इतना बड़ा हादसा घर में हो गया और आपने मुझे कुछ नहीं बताया, क्यों भैया? इसलिए कि तुम पढ़ रहे थे। मेरी बहन और भाई से बढ़कर मेरी पढ़ाई नहीं थी भाभी। एक्सक्यूज मी प्लीज, विजिटिंग टाइम इज ओवर। ओके। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि गोलियों का ये छर्रा अपने दिमाग से मैं बाद में निकालूंगा, सबसे पहले उस कुत्ते को खत्म करूंगा। भैया, इस गैंग को खत्म करने की जंग में आप अकेले नहीं है, मैं भी आपके साथ हूं। क्या ये? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही मेरी बहन सोनिया है। क्या आप बता सकते हैं ये मटालन पर क्यों गई थी? अजीत से मिलने। अजीत से मिलने? आई सी। आप अजीत के नाम पर चौंके क्यों इंस्पेक्टर साहब? तुम्हारी बहन के लाश के पास जो पिस्तौल हमें मिली है उस पर अजीत की उंगलियों के निशान पाए हैं। अजीत, तूने मुझसे मेरी बहन छीनी है, मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगा। अजीत, अजीत कहाँ है तू? सामने अजीत, अजीत। क्या बात है हेमंत? तूने मेरी बहन मुझसे छीन ली है, आज मैं तेरी जिंदगी तुझसे छीन लूंगा कमीने। क्या बकवास करते हो? सोनिया का खून और मैंने किया है? तो क्या वो अपने आप मर गई? क्या बिगाड़ा तब तुम्हारा उसने?
जो तूने उसे एक रास्ते का कंकड़ समझकर फेंक दिया। हाँ बोल। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं हेमंत, सोनिया का खून मैंने नहीं बल्कि खूनी गिरोह ने किया है। खूनी गिरोह के हाथों मरने वाली लड़कियां किस तरह मरती है ये मुझे मत सिखा, समझे? हेमंत मैं अब भी कहता हूं हाथ रोक ले, वरना मैंने भी अपने हाथों में चुड़िया नहीं पहन रखी है। चुड़िया नहीं पहन रखी तो उठा हाथ, उठा हाथ, उठा। इसने मेरी बहन को मारा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें गलत फहमी हुई है, सुने को जब गोली लगी थी तब मैं वहां मौजूद था, अजीत तो वहां था भी नहीं। तो फिर पिस्तौल पर उसकी उंगलियों के निशान कैसे आए? अजीत बाद में वहां पहुंचा और गलती से उसने पिस्तौल उठा लिया। मेरा भरोसा रखो, सोनी के कातिल को मैं कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लूंगा। ठीक है, मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर दो हफ्ते के अंदर अगर असली कातिल को आपने मेरे सामने नहीं किया तो मैं अजीत को ही कातिल समझूंगा, फिर आपकी पूरी पुलिस फोर्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ओके, सी यू। मे आई कम इन सर? अरे अर्जुन, वेलकम वेलकम वेलकम। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच अर्जुन, थैंक यू। अरे हाँ अर्जुन, एक तोहफा आया है और भेजने वाले ने कहा है कि वो तुम्हारे सामने खुला जाए, उसी में मजा है। इसी में मजा, तो चलिए खोलते हैं। हाँ देखते हैं। जी साहब, अरे वो तोहफा खोलना जरा। अच्छा साहब, कमिश्नर साहब, आपके जन्मदिन पर हमारा ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए, और याद रखिए हम जिस लड़की पर नजर डालते हैं वो इस धरती पर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाती। और अर्जुन सिंह, हम कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, अब आ गए, रोक सको तो रोको हमें। रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। अब बच के कहाँ जाओगे? मैं कहती हूँ रुक जाओ, वरना मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगी। पागल मत बन लड़की, यहाँ से कूदेगी तो तेरे हड्डियों का चूरा बन जाएगा। हो जाने दो, मगर मैं तो जैसे शैतान की हवस का शिकार नहीं बनूंगी। इन्हीं अदाओं पे तो मैं मरता हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे कमीने, छोड़ दो, छोड़ दो। We'll be right back.
कौन है आप? मैंने पूछा कौन है आप? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। ओ आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ? मैं किसी कातिल का पीछा कर रहा था, लेकिन आप मिल गए हैं तो कातिल भी मिल जाएगा। कहना क्या चाहते हैं आप? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि शराफत का लिबास तो आपने पहन लिया, मगर कीचड़ में लथपथ ये निशान आप नहीं मिटा सके। जिसे बाग में टहलने की आदत हो उसके जूतों को कीचड़ तो लगेगी ही मिस्टर अर्जुन सिंह। आदत की वजह से इंसान जेल की सलाखों से लेकर जहन्नम तक पहुंच जाता है। जिस आदमी का पीछा करते करते मैं यहां तक पहुंचा हूं वो इस शहर का सबसे खौफनाक मुजरिम हुडमैन है, और वो हुड वाला मैं हूं। यही कहना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, जूतों पे लगी मिट्टी को देखकर आपने बात का बतंगड़ बना दिया, और हमारे घर में आकर आप घर के मालिक की इंसल्ट कर रहे हैं। इनकी तारीफ? ये हमारे डैडी हैं। ओह, तो डैडी हैं आपके। बेटी जी, पुलिस वालों के बातों का बुरा नहीं मानते, शक करना तो इनकी आदत होती है, लेकिन इंस्पेक्टर मुझ पर शक करना ये तो हद से बाहर ही है। अच्छा जी, ठीक है, आज तो मैं जाता हूं, लेकिन अपने आप को कीचड़ से बचा कर रखना। इस बंगले पे कड़ी नजर। यस सर। पापा, आपने कभी रिचा को देखा है? रिचा? जू में रहता वो नहीं पापा, ये रिचा तो आधा इंसान और आधा रीच है, बहुत डेंजरस है, किसी से नहीं हारता। अच्छा? हाँ पापा, और कॉमिक में भी लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मार सकता, तलवार और बंदूक से भी नहीं। वरना कॉमिक होता है समझे, हकीकत नहीं, तू इसे भूल जा। पापा प्लीज मुझसे पूछे ना रिचा कैसे मरता है। अच्छा तो बताइए मुन्ना साहेब, तुम्हारे इस कॉमिक के रिचा की मौत कैसे होती है, बोलो। उसकी आंखों में मारने से, क्योंकि उसकी जान उसकी आंखों में होती है। अच्छा जी। हाँ पापा, क्या बातें हो रही हैं बाप बेटे में? बता दूं तेरी मम्मी को? नहीं पापा। क्या नहीं बताओगे? यही कि रिचा की जान उसकी आंखों में होती है। फिर वही कॉमिक की बातें। जाओ सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। गुड नाइट पापा। चलो चलो जल्दी। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। रात का किसका फोन है? हेलो, अर्जुन स्पीकिंग। व्हाट? मैं भी आ रहा हूं। इसके घर वाले कहाँ हैं? पिताजी वहां खड़े हैं। दर्जी। इंस्पेक्टर, ये क्या हो रहा है? बंबई की पुलिस क्या कर रही है? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या? रोज एक मासूम लड़की उस कमीने के हवस का शिकार हो रही है, और पुलिस के हाथों से वो दरिंदा ज्यादा दिन नहीं बचेगा। पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं, आप धीरज रखिए सेठ जी। दूसरों को तसल्ली देना आसान है, अगर आपकी बेटी या बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो आपको मालूम पड़ता कि आज मेरे सीने में कैसी आग जल रही है। ऐसी आग बरसों से मेरे सीने में भी सुलग रही है। आपकी और मेरी आग अब एक साथ बुझेगी। वो कमीना आकाश में हो या पाताल में, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। आप पैसे की फिक्र मत करना इंस्पेक्टर, उस वैशी को पकड़ने के लिए जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। सर,
आज के अखबार में यह खबर छपी है कि इस शहर के मशहूर सेठ लक्ष्मी चंद ने आपके गिरफ्तारी पर 15 लाख रुपए नकद देने का ऐलान किया है। अच्छा फसेगी जाल में। नहीं करूंगा मेरी जान। अजीत क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो अजीत? ये खूबसूरत आंखें किसके लिए? और ये गुलाबी होठ? तुम्हारे लिए। और ये खिला खिला सा चेहरा? वो भी तुम्हारे। और ये प्यार सा बदन? अजीत आज तुम बड़े रोमांटिक मूड में हो। आज तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। मेरे इरादे क्या है? पास आओ तो बताऊं। नहीं तो फिर पास आओ। आओ आओ ना। जब मेरा
कुछ तेरा और तेरा सब कुछ मेरा, फिर क्यों डरती हो क्यों कहती हो ना 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 मेरी जान ऐसे ऐसे चलेगा ऐसे कैसे चलेगा ऐसे कैसे मेरी जान ऐसे ऐसे क्या बात है? आप लोग हमारे साथ क्यों चल रहे हैं? ये पब्लिक भी है साहब, और अपन पब्लिक है क्या? एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? क्या आपको अपनी जान प्यारी है? क्या मतलब? देखो साहब, अपन को ऊपर से ऑर्डर आला है क्या? ये छोकरी को उठाने का क्या? अभी आप जवानी के जोश में होश खो बैठेगा तो फिर आपका लाइफ का डेंजर है क्या? अरे हट! प्रीति, तुम जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो, जाओ! क्या हुआ इसे? क्या हुआ? क्या यही दिन देखने के लिए हम यहाँ आए थे? बिंदु को तो हमने खो दिया, अब अगर मेरे अजीत को कुछ हो गया तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मत करो, कुछ नहीं होगा, जल्दी से लेकर जाओ। नर्स हरी अप। ये सब हुआ कैसे? सर, ये उसी गैंग की बदौलत हुआ है जो लड़कियों को उठाकर ले जाता है। आज अजीत के बदौलत उस गैंग का एक जिंदा आदमी हमारे हाथ लगा है। नहीं मालूम साहब, मुझे नहीं मालूम साहब, नहीं मालूम साहब। आखिरी बार पूछता हूँ, बताओ हुडमैन का अड्डा कहाँ है? साहब हुडमैन का अड्डा कोई नहीं जानता साहब, साहब उसके नीचे जो काम करता है वो मालूम है साहब। कौन है वो? साहब साहब बताता हूँ साहब साहब। वेलकम इंस्पेक्टर, वेलकम। हमें यकीन था कि तुम यहां जरूर आओगे। तुम यहां तक तो आ गए, लेकिन हम तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक बहुत मजबूत दीवार तोड़नी पड़ेगी। ये मेरे भाई के साथ तुम लोगों ने जो सलूक किया है उसकी सजा तुम्हें और तेरे प्यादों को जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर,
जिसके कब्जे में मौत होती है वो मरा नहीं करते, समझे? क्या कहा? तेज सिंह गिरफ्तार हो गया? यस सर, और पुलिस ने उस अड्डे को भी अपने कब्जे में ले लिया है। अर्जुन सिंह, तुम मेरे आदमियों को पकड़कर खुश तो हो रहे होंगे, लेकिन अब मैं तुम्हारे खुशियों से ऐसे खेलूंगा कि तुम रो भी नहीं पाओगे। डॉक्टर साहब, अजीत कैसा है? ही इज आउट ऑफ डेंजर, मगर उसकी जिंदगी बचाने के लिए मुझे उसके बाया हाथ को काटना पड़ा। ओह नो, नो। भैया आप कैसे रहे? कैसे रहे तू? परफेक्टली ऑल राइट, मगर ये क्या आपकी आंखों में आंसू? आंसू नहीं, नहीं। मैं जानता हूं भैया आपकी आंखों में आंसू क्यों आए, इसलिए ना कि मेरी एक बाजू कट गई, मगर आपके होते हुए अगर मेरी एक बाजू कट गई तो क्या फर्क पड़ता है? अजीत, एक भाई दूसरे भाई का हाथ तो होता ही है, फिर भी जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत से बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं। भैया जब तक आपका हाथ मेरे सर पर है मैं भला हिम्मत कैसे हार सकता हूं? क्या अभी तक बेहोश है? What nonsense! डॉक्टर से कहो जैसे भी हो उसे होश में लाएं। You can go now. Yes sir. अभी हाथ तुम्हारे काबिल नहीं रहे। ओ, तो तुम मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो? अगर ये बात है तो सुनो, मैं तुम्हें पहले से 100 गुना 1000 गुना ज्यादा प्यार करती हूँ। तुमने अपने बाजू की कुर्बानी दी मेरी इज्जत बचाने के लिए। मुझे गर्व है कि तुम इतने बहादुर हो। I'm so proud of you. लेकिन बस अब आगे कुछ मत कहना। I love you. Don't you understand? I love you. I love you. अच्छी। अनिता, मैं चलता हूँ। सुनिए, वो लिस्ट भूले तो नहीं? अजी कैसे भूल सकता हूँ? वो लिस्ट मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। और तुम जानती हो, बॉम्बे में मुन्ने की ये पहली सालगिरह है। क्यों मुन्ना? हाँ पापा, लेकिन अंकल मेहमानों के जाने के बाद हम सब तेरे अंकल के पास चलेंगे। क्यों जी? हाँ मुन्ना। हाँ पापा, लेटेस्ट कॉमिक्स लाना मत भूलना, नहीं तो कट्टी कर लूंगा। आज के दिन ऐसी बातें नहीं किया करते मुन्ना, आज के दिन तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं ढेर सारी कॉमिक लाऊंगा, जरूर। ओके, we'll be right back.
छोड़ दे मुझे, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। पहले मुझे अपनी जवानी की शराब तो पीने दे, फिर मेरा खून पीना। मुझे मालूम नहीं मैं इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की पत्नी हूँ। जिस औरत के बदन को हमारे हाथ छू लेते हैं वो औरत हमारी पत्नी बन जाती है। मैं कहती हूँ आगे नहीं बढ़ना। बढ़ूंगा। मैं कहती हूँ आगे नहीं आना। मेरी बाहों में आने वाली हर औरत चीखती है तुम्हारी तरह, तड़पती है तुम्हारी तरह, और मैं मजा लेता हूँ उसके चीखने तड़पने का अपनी तरह। छोड़ दे मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे, कमीने छोड़ दे मुझे, कमीने छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। मेरी बात तो छोड़ दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। मुन्ना गोली चला बेटे, गोली चला बेटे। मैं तेरी मम्मी को मार डाल। मुन्ना गोली चला, मुन्ना गोली चला, गोली चला बेटे, मुन्ना गोली चला। देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। इतनी खूबसूरत साड़ी, ये तो मैं मुन्ने की शादी में पहनूंगी। अरे मुन्ने की शादी के लिए तुम इससे भी अच्छी साड़ी ला लूंगा। पापा कॉमिक में लिखा है कि काजल लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। कॉमिक की सारा दिन पढ़ता रहेगा, स्कूल जाने की तैयारी भी करेगा। चल भाग यस भाग चल। नहीं है, उसके बाद हम लोग सुबह से लेकर शाम। क्या बात है भैया, आप अकेले हैं? आज तो मुन्ना का बर्थडे है ना, ना हाथ में केक ना साथ में मुन्ना और भाभी। क्या बात है, आप चुप क्यों हैं?
मुन्ना और भाभी नाराज है मुझसे। अरे पगले, ये कैसे हो सकता है? तेरी भाभी मुन्ना तुझसे नाराज हो सकते हैं? कोई बात तो जरूर है, वरना आज खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू। तो अपने मुन्ना से, अपनी भाभी से कितना प्यार करता है, यही सोचकर आंखों में आंसू भर आए? नहीं भैया, बात कुछ और है। मेरा दिल घबरा रहा भैया, आप मुझे उनके पास ले चलिए। अरे नहीं, ऐसा मत बोल, तू उनके पास नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? तू मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहता है? तुम ही उनकी तरह मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहता है भैया? अजीत, तेरा मुन्ना, तेरी भाभी, हम दोनों किस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए? चले गए हम दोनों को अकेला छोड़कर? नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अरे पगले, उन दोनों की चिताएं जलाकर मैं तेरे सामने जिंदा खड़ा हूं भैया? मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा। पागल हो गया है? अभी तेरा जख्म कच्चा है, टांके टूट गए तो कुछ भी हो सकता है। अरे भैया, जब जिंदगी के ही टांके टूट गए तो ये टांके संभाल के क्या करूंगा मैं? अजीत, अजीत, आपका हाल भाभी नहीं देखती होगी? क्या मुन्ना की आत्मा नहीं तड़पती होगी कि उसका बाबा 3 दिन से भूखा है? जिस दरिंदे ने हमारी सारी खुशी, हमारी जिंदगी बर्बाद की, वो अभी तक जिंदा है, और उसे खत्म करने के लिए हमारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। खाना खा लो भैया। इन्होंने भी कुछ नहीं खाया। भगवान, मेरे भाई की हालत हो गई, मैंने उफ तक नहीं की। प्रभु, तेरे सामने अपने इन हाथों से अपनी पत्नी, अपने दिल के टुकड़े की चिता को आग दी। मेरी जिंदगी भी चाहिए तो मार डाल मुझे, बस थोड़ी सी मोहलत दे दे भगवान, मैं बदले की आग में चल रहा हूं। प्रभु, एक बार उस राक्षस का सामना करवा दे और मुझे इतनी शक्ति दे मालिक कि मैं उसका नाम और निशान मिटा दूं, उसे खत्म कर दूं। भगवान, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे भगवान, मुझे शक्ति दे। मेरे आदमियों को नहीं मालूम तो अर्जुन सिंह को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं? यू आर राइट बॉस। वो लड़की जो हमारे हाथों से बच गई थी, वो हमारे बिस्तर की जीनत कब बनेगी? बॉस, वो लड़की अर्जुन सिंह के कब्जे में है और उसी के घर में रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आदमी अर्जुन सिंह और पुलिस से डर गए? मुझे वो लड़की 24 घंटे के अंदर चाहिए। लड़की आपको मिल जाएगी सर। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसके जरिए सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही मिस्टर सिन्हा। इसमें समझने की क्या बात है? मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि तुम्हारे बहन के कत्ल के राज की चाबी प्रीति ही है। तुम उसे मेरे बताए हुए पते पर ले आओ, वहां तुम्हें सबूत भी मिल जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ प्यार भी। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? इसमें चाल की क्या बात है, तुम भी तो प्रीति के साथ वहां रहोगे।
क्या तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं? ठीक है मिस्टर सिन्हा, मैं तुम्हारे बताए हुए उस जगह पर प्रीति को किसी कीमत पर भी लेकर पहुंच जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वहां पहुंचने के बाद तुमने मेरी बहन के कत्ल का सबूत नहीं दिया या तुम्हारे इरादे गलत निकले तो मैं तुम्हें ऐसी बेदर्दी से मारूंगा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी लाश पहचानने से भी इनकार कर देंगे। ये हुई नंबर दो वाली बात, ये लो अंगूठी। रीछा नाम का एक शख्स तुम्हारे साथ रहेगा जो इस अंगूठी का गुलाम है। ताकत तो उसमें हाथी की है लेकिन अक्ल चींटी से भी कम। लेकिन रीछा की मदद की जरूरत मुझे क्यों पड़ेगी? यू नेवर नो। आई एम सॉरी हेमंत, अर्जुन सिंह से पूछे बगैर मैं इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। इसका मतलब है तुम भी नहीं चाहती कि मेरे बहन के कत्ल का राज मुझे मिल जाए? ये बात नहीं है हेमंत, तुमको खामखा ये गलत फहमी हो गई है कि अजीत तुम्हारी बहन का कातिल है। कुछ भी हो प्रीति, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मैंने कह दिया ना, अर्जुन सिंह से पूछे बगैर मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकती। क्या बात है हेमंत? प्रीति कहाँ जा रही हो? प्रीति को मैं ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस ले आऊंगा। प्रीति तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। प्रीति ऊपर जाओ, जाओ ऊपर। प्रीति मेरे साथ जाएगी, अगर तुम इसे सीधी तरह से नहीं जाने दोगे तो मैं इसे जबरदस्ती से ले जाऊंगा। नहीं आओ। आइए आइए हेमंत साहब आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। लो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब बताओ मेरी बहन का कातिल कौन है? अभी पता चल जाएगा कि तुम्हारी बहन का कातिल कौन है। गुडमैन। अच्छा तो ये है मेरी बहन का कातिल? मैं नहीं, लेकिन तुम्हारे बहन का कातिल मेरा ही आदमी, इसका नाम है तेज सिंह। कहाँ है वो कमीना? मैं उसका खून पी जाऊंगा। धीरज रखो धीरज रखो। घबराओ मत प्रीति, मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हिम्मत, जाओ उसे मेरे नीचे वाले कमरे में ले जाओ, नहलाओ धुलाओ, सजा कर मेरे सामने पेश करो। हिम्मत, भैया भैया क्या हुआ भैया? एक
पुलिस असर आदमी मुझे जख्मी कर गया और प्रीति को उठा कर ले गया। प्रीति? हाँ। टॉमी कुछ इशारा कर रहा है। बड़ा इंतजार करवाया, जाल में फंसती ही नहीं थी है? नहीं, आगे नहीं आना। आगे नहीं आऊंगा तो तुम्हारा मेरा ये पवित्र मिलन आज होगा कैसे? मैं आखिरी बार कहती हूँ, मेरे करीब मत आना। ये चीख तो प्रीति की लगती है। प्रीति को देख, मैं इन गुंडों को देखता हूं। कौन तुम? तेरा बाप। कौन पी जाऊंगा कमीनों के चुंगल। मुझे माफ कर दो भाई साहब, मुझसे भूल हो गई। रीति कहाँ? फुटमैन नीचे ले गया। अच्छी दूंगा।
जिस नकाब के पीछे छुपे उस शैतान की शक्ल में देखना चाहता हूँ। वो तुम कभी नहीं देख पाओगे। तेज सिंह, अर्जुन सिंह, तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाते, लेकिन आज खुद मैं अपना चेहरा तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, ताकि मरने से पहले तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। देखो सेठ लक्ष्मीचंद, तुम? हाँ मैं। जी 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 जी, लाना था तुम पर, अपनी ही बेटी की इज्जत लूटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। किसकी बेटी? कौन सी बेटी? ये तो मेरे पार्टनर के बच्चे हैं, जिसे मारकर मैं उसका सारा माल हजम कर गया। कमीने! मतलब तू नहीं मेरे बाप और मेरी बहन का खून किया है? तूने मेरी बहन को मारा है कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया इसमें तो गैबी ताकत है, ये रीच का बच्चा मरेगा कैसे? तुम्हारे इस कॉमिक की रीचा की मौत कैसे होती है? बोलो। उसकी आंखों में मारने से, क्योंकि उसकी जान उसकी आंखों में होती है। अच्छा जी, छोड़ दे मुझे। मैंने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मार के इन हड्डियों का चूर बना दो। इस फसल की भूख ने मुझसे बहुत पाप कराए। मारो हेमंत।